तो ये मैं बनाने जा रही हूँ खोआ, और आप देख रहे होंगे दूध को ना मैंने खूब अच्छे से गाढ़ा कर लिया है। तो आप चाहो तो मैं इसी को बना सकती हूँ, बट मैं मिल्क पाउडर से बनाऊंगी आज खोआ। तो चलिए मिल्क पाउडर मिलाते हैं इसे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये देखिए, ये मैं बनाने जा रही थी खोआ। एक्चुअली मुझे कोई रेसिपी बनानी है तो उसके लिए मैं खोआ बना रही थी। तो मैं चाहूँ तो दूध को पका के इसी का खोआ बना लूँ, बट मैं बनाने जा रही हूँ मिल्क पाउडर से। ठीक है, तो ये दूध को मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया है, थोड़ा सा पक भी गया, थिक हो गया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी मिल्क पाउडर। ठीक है, आप किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर लेके ऐड कर लो, और इसको अच्छे से हमें मिला लेना है। ठीक है, और ये इंस्टेंट जो मावा बनता है ना, बहुत अच्छा बनता है। अगर आपके पास घर की मलाई हो ना तो उसको आप ग्राइंड कर लो, उसके बाद इसके साथ इसको बनाओ, बहुत अच्छा मावा रेडी होता है। मतलब जो भी फुल क्रीम मिल्क रहता है या फुल क्रीम रहती है ना, उससे बहुत अच्छा ये मावा बनता है। तो बस इसको पहले मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि कोई भी लम्स ना रहे और हमारा अच्छा सा मावा रेडी हो। और ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा मावा रेडी होता है। फिर आप इसको किसी भी रेसिपी में यूज़ कर लो। आप चाहो तो इसकी मिठाई बना लो, आप चाहो तो इसे हलवे में डाल दो, तो बहुत अच्छा लगता है। और कोई नहीं पता कर पाएगा कि आपका मावा आपने किससे बनाया है ना। तो ये है, तो अभी जब बना लूँगी तब आप देखिएगा, एकदम वही कंसिस्टेंसी वही होता है मावे का जो आप दूध को पका के बनाते हैं। और ये जो स्टेप रहता है इससे जल्दी बन जाता है, बस और कोई बात नहीं थी। अदरवाइज आप पका के भी बना सकते हो। तो ये देखिए, और ये आप देख सकते हो जो हमारा मावा है ना, वो थिक हो गया है। तो आपको जो भी रेसिपी आप बना रहे हो, आपको जितनी कंसिस्टेंसी चाहिए आप उस कंसिस्टेंसी तक इस मावे को रख सकते हो। और वैसे भी होने के बाद ये थिक होता है। बस अब हमको इसमें डाल देना है थोड़ा सा देसी घी, है ना। ये देसी घी हम थोड़ा सा डाल देंगे, पिघल जाएगा ये इसमें। इससे क्या, जो हमारा जो खोआ है ना, वो शाइनी इसमें आ जाएगा, शाइनिंग आ जाएगी, और अच्छा टेस्ट हो जाता है खोए का फिर, है ना। और कहीं से कहीं भी आप इसको नहीं पहचान पाओगे कि ये मावा आपका मतलब पका के नहीं बनाया गया है। तो ये देखिए, ये हमारा मावा रेडी हो गया है। बस इसको रखने के बाद ये ठंडा हो जाएगा, और फिर आपको इस रेसिपी में आप इसको यूज़ करना चाहो आप कर सकते हो। तो देखो आप, लेकिन कंटिन्यू चलाते रहिए, और 5 से 6 मिनट में आपका ये मावा जो है ना वो रेडी हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए आप, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये 1 घंटा हो गया, और देखो कितना थिक हो गया है एकदम। जो हम लोग मार्केट से मावा लाते हैं ना, देखिए बिल्कुल वही टेक्सचर है। और अब आप इससे कोई भी रेसिपी अपना बना सकते हो, गुलाब जामुन बना सकते हो, गुजिया बना सकते हो, या कोई भी चीज़ आप बना सकते हो। तो बहुत अच्छा होता है ये इंस्टेंट मावा, आप भी अपने घर में ट्राई ज़रूर करना, बहुत सारे लोग बनाते होंगे। तो चलिए, यही मुझे आपको दिखाना था। तो ये मेरा रेडी हो गया, इसकी जो रेसिपी मैं बनाऊंगी शेयर करूंगी आपके साथ। तो चलिए अब खाना बना लेते हैं फटाफट से। ये बन रहा है आलू झोल, और आलू झोल बोल सकते हो, आलू की ग्रेवी वाली सब्जी बोल सकते हो। तो इसमें जीरा डाला है, प्याज डाला है, और हरी मिर्च डाला है, और बस इसे थोड़ा सा सॉटे करेंगे, फ्राई करेंगे। बहुत ही यम्मी सब्जी बनती है आलू की, आप भी ट्राई करना। और इधर मैंने ये टमाटर इधर भी कट किया है, इधर ही टमाटर काट के रख लिया है। उधर मटर है, आलू है, वो मटर है। प्याज हमारा फ्राई हो गया, इसमें हम मसाले डाल देंगे, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, मतलब जो भी रूटीन के मसाले हैं ना, वो सारे मसाले आप इसमें ऐड कर लो। इसे मिक्स कर लेंगे, और ये थोड़े से फ्राई हो जाएंगे, फिर हम इस पे टमाटर ऐड कर लेंगे। कलर देखिए कितना अच्छा सब्जी का आया है ना। बस ये फ्राई हो गया, अब हम इस पे टमाटर डाल देंगे। और ये वाला जो आलू झोल बन रहा है ना, इस पे टमाटर बहुत ज्यादा लगता है, तभी एक टैंगी सा फ्लेवर आता है सब्जी में। और पॉसिबल हो तो आप इसे रेड टमाटर ही पके हुए डालिए,
तो बहुत अच्छा सब्जी का टेस्ट आता है। और बस इसे मिक्स करिए और नमक डालिए ताकि टमाटर जो हमारे अच्छे से गल जाए और एक अच्छी सी हमको ग्रेवी मिल जाए। और आलूओं को भी आप देख सकते हो, इसे अच्छी तरह से फोल्ड लिए हैं, मैश कर लिए हैं, क्योंकि जो आलू की रस वाली सब्जी ग्रेवी वाली बनती है ना, वो इसी तरह से बनती है, एकदम बारीकी से कर लिया जाता है। और इसमें नमक डाल देंगे, नमक डालने के बाद ही अच्छे से टमाटर मैशी हो जाएगा। आप थोड़ी देर बाद देखिएगा, बहुत अच्छी ग्रेवी रेडी होती है। तो इसे हम थोड़ा सा टाइम देंगे, 1-2 मिनट, ताकि अच्छे से मैश हो जाए। ठीक है, पीस के डाल भी सकते हो, बट इसका अलग ही फ्लेवर आता है। इस तरीके से आप एक बार ट्राई करना, बहुत अच्छी आलू टमाटर और मटर की सब्जी बनती है, आलू झोल बोल सकते हो आप। ठीक है, तो इसे हमें थोड़ा टाइम देके गला लेते हैं। ये देखिए, हमने इसे ढक के रख दिया था। कितने अच्छे, देखिए टमाटर हमारा एकदम गल गया है, मैशी हो गया, कलर भी अच्छा आया है। अब हम इसमें डाल देंगे हरे मटर, ताकि वो भी साथ में पक जाए। देन हम लास्ट में आलू और ग्रेवी डालेंगे। ठीक है, और इसे मटर ऐड करके इसे थोड़ा सा और ढक देंगे, ताकि अच्छे से मटर भी कुक हो जाए। ठीक है, अगर आपको बॉयल मटर है फिर तो आपको पकाने की जरूरत नहीं है, आप आलू वालू सब डाल के ग्रेवी बना लो। बट ये कच्चा वाला मटर है, तो इसे हम थोड़ा टाइम देके पका लेंगे। ठीक है, और मटर भी हमारा पक गया है। कलर देखिए सब्जी का, कितना अच्छा कलर आया है ना। तो बस इसमें हम आलू ऐड कर देंगे, और इसमें मैश आलू ही आप डालिएगा, तभी सब्जी बहुत अच्छी बनती है। कट करके नहीं डालिएगा। ठीक है, बस इसे हम थोड़ा सा मिक्स कर देंगे, और हमें जितनी ग्रेवी खानी है ना, उतना हम इस पर ग्रेवी डालेंगे। तो हम इसे राइस से खाएंगे, तो इसलिए ग्रेवी डालेंगे। और वैसे भी ग्रेवी वाली ही अच्छी लगती है, पूरी से, पराठे से, रोटी से आप इसको इंजॉय करिए, बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगता है। तो इसमें हम ग्रेवी डाल लेते हैं जितना हमें चाहिए। ठीक है, तो इसमें ग्रेवी हम डाल देंगे अब जितना हमें चाहिए। हम इसे राइस से खाएंगे, थोड़ा ज़्यादा ग्रेवी चाहिए। बस इसे करके हम ढक देंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगी लास्ट में बनने के बाद। तो चिप्स निकाल लेंगे, और राइस मैंने बना लिया है, तो चिप्स निकाल के फिर हम प्लेट फाइनल आपको दिखाएंगे। ठीक है, और ये देखिए सब्जी हमारी रेडी हो गई है। इसी तरह का हमको झोल चाहिए, और हम इसमें डाल देंगे धनिया। और ये जो पूरी है ना, ये जो सब्जी है ना बहुत ज़्यादा यम्मी पूरी के साथ भी लगती है। और हम इसे खाएंगे राइस के साथ। तो बताना आपको कैसी लगी सब्जी, कितनी अच्छी लग रही है ना। तो आप भी फटाफट से सब्जी को बनाओ, और पूरी के साथ, राइस के साथ इंजॉय करो। और ये देखो कितना यम बना है, ये देखिए कितना यम बना है सब्जी हमारा, सो यम है ना। तो चलिए मैं इसे इंजॉय करती हूँ, और प्लेट दिखाती हूँ आपको फाइनल अपनी। ठीक है, तो ये देखो हमारी यम्मी सी थाली रेडी हो गई है। ये गर्मा गर्म राइस है, और ये है चिप्स जो मैंने फ्राई किया था, और ये है मेरी आलू और मटर की झोल वाली सब्जी जो बहुत ही डिलीशियस बनी है, और गर्मा गर्म भाप निकल रहा है। और ये है वो आंवले का पिकल जो मैंने कल बनाया था, और ये है पूड़ियाँ चीकू के लिए बनाई है, हम लोग तो चावल ही खाएंगे। तो बताना कैसी लगी आपको ये थाली, और फटाफट से आप इस थाली को बनाइए, इंजॉय करिए, और मुझे बताइए आपकी सब्जी कैसी बनी। आप ये सब्जी जरूर ट्राई करना। ठीक है, तो चलिए मैं यहीं से अपने ब्लॉग का एंड करूंगी। आई होप आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। एंड तो हम लोग का खाना हो गया है, और मैं आज आपके साथ बीच में बात कर नहीं कर पाई, तो मैंने कहा चलो मैं आपसे एक बार मिल भी लेती हूँ। तो मेरी दोनों रेसिपीज आपको कैसी लगी आप जरूर बताना मुझे, और इंस्टेंट मावा की रेसिपी आप ट्राई करना, बहुत क्विक बनती है, और जो सब्जी है ना वो सुपर टेस्टी लगती है, और एक बार ट्राई करना, फटाफट से बन भी जाती है। और आलू की सब्जी तो ऑलमोस्ट सभी को पसंद आती है ना। तो चलिए मैं आप यही से आप लोग से बाय करती हूँ, और फिर कल मिलेंगे नए रेसिपीज नए ब्लॉग के साथ। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करिए, इट्स एब्सोल्युटली फ्री एंड इट मीन्स अ लॉट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय फ्रेंड्स।